हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 13 है स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग। आज हम कवर करने वाले हैं कैलेंडर का प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सीएसआईआर एंड आईसीएमआर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैलेंडर की क्वेश्चन समझते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कवर करेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन से। कैलेंडर में टू टाइप के ईयर्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, एक होता है हमारा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, ओके। लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं, ओके। लीप ईयर में फरवरी में वन डे एक्स्ट्रा। नॉर्मल ईयर में देखा जाए तो हमारे वीक्स की बात करें, वीक्स जो कि 7 डेज का होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो हमारे नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स बैठते हैं बिकॉज 52 × 7 हमारा आ गया 364 और हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। मतलब हमारे फुल ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 वीक्स होते हैं और एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है, ओके, वन डे एक्स्ट्रा होता है। तो इसको हम बोलते हैं वन ऑड डे। इफ आपसे कोई पूछे कि हमारे ईयर में, नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, ऑड मतलब वो बैठ नहीं पा रहा है वीक्स के साथ, वो बिल्कुल एक ऑड है, डिफरेंट है, ओके, वन ऑड डे होता है। इफ हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मतलब 52 वीक्स प्लस टू ऑड डे। कैसे हुए? बिकॉज 366 है, 52 वीक्स हो गए हमारे 364 डेज और हमारे टू ऑड डे होते हैं। तो हमारा वन ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में, टू ऑड डे होते हैं लीप ईयर में। अब होता क्या है, आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे हमारा 1 जनवरी है, 1 जनवरी को है हमारा संडे, 1 जनवरी को है संडे, ओके। 52 वीक्स है, 52 वीक्स पूरे हुए हमारे, तो हमारा 30 दिसंबर आया और 30 दिसंबर को हमारा क्या था, 30 दिसंबर को होना चाहिए सैटरडे, क्योंकि हमारा वीक संडे को स्टार्ट हुआ है, तो संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे पे आके हमारा वीक खत्म हो जाएगा। तो ये फुल वीक चला और ये 52 वीक्स तक ये बात चली, तो 30 दिसंबर को हमारा सैटरडे हुआ, 30 दिसंबर को होता है हमारा सैटरडे, क्योंकि 52 वीक्स कंप्लीट हुए, वीक स्टार्ट होता है संडे पे, तो हमारा वीक एंड होगा सैटरडे पे, संडे पे स्टार्ट होके होगा खत्म सैटरडे पे, तो 52 वीक के एंड में हमारा सैटरडे आया। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा संडे। तो हमेशा ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी हमारा ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है, इफ वो नॉर्मल ईयर है तो वो जिस डे से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा उसी डे पे एंड होगा, क्योंकि 52 वीक हमारे पूरे हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट हमारा वही दिन आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ से दो बातें माइंड में रखनी है, फर्स्ट तो ये कि इफ हमारा इस बार ईयर 1 जनवरी को मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, और अगली बार जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा फिर से 1 जनवरी जो आएगी वो किससे आएगी, वो आएगी हमारे ट्यूसडे से, ओके। ये बात होती है नॉर्मल ईयर में। इफ हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में है 2 ऑड डे, मतलब हमारा दिन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को संडे से। अब संडे से स्टार्ट हुआ हमारा दिन, तो हमारा 29 दिसंबर को, आप लोग लगाइए 29 दिसंबर को हमारा हो जाएगा सैटरडे, क्योंकि 29 दिसंबर तक 52 वीक पूरे हो गए, वीक संडे से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ खत्म होगा, सैटरडे पे, प्लस 2 डे बचे, तो सैटरडे के बाद आएगा हमारा फिर संडे, फिर आएगा मंडे। तो मतलब लीप ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है उससे नेक्स्ट डे पे एंड होता है। लीप ईयर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो वो मंडे पे एंड होगा, और नॉर्मल ईयर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे पे ही एंड होगा, क्योंकि हमारा एक और डे है नॉर्मल ईयर में, यहाँ पे वीक खत्म हो गया है तो फिर से नया वीक स्टार्ट हुआ, और हमारा इस ईयर में वीक किससे स्टार्ट हुआ था, संडे से, तो न्यू वीक स्टार्ट हुआ संडे से ही, तो हमारा 31 दिसंबर को क्या है, संडे, ओके।
तो ये वाली बात माइंड में रखनी है कि नॉर्मल ईयर जब भी हमारा जिस भी दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पे खत्म होता है, लीप ईयर जिस दिन पे स्टार्ट होता है उससे नेक्स्ट डे पे खत्म होता है। ओके, ये वाली बात माइंड में रखनी है। एक छोटा सा पॉइंट आता है कैलेंडर के क्वेश्चन से, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है या वो लीप ईयर है। तो आपको बता दें कि आपने अब तक सुना होगा कि 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, जो भी ईयर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। बट ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, कोई भी ईयर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता तो हमारा वो नॉर्मल ईयर है, डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। बट सेंचुरी ईयर के लिए ऐसा नहीं होता। सेंचुरी ईयर मींस जिनके एंड में 00 आ रहा है, जैसे 100, 200, 500, ये होते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हमारा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉर्मल ईयर है, और 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा लीप। तो ये दो बातें आपको माइंड में रखनी है, एक तो ये कि हमारा 1 odd day होता है नॉर्मल ईयर में, 2 odd day होते हैं लीप ईयर। इसी लेवल तक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, वैसे कैलेंडर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सेम ईयर कब रिपीट होगा, सेम कैलेंडर कब होगा, उसके रिगार्डिंग रिपीट होते हैं, बट वो मैं सीएसआईआर में कवर करूंगी। आईसीएमआर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आईसीएमआर में आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से कि ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। अभी इसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखेंगे हम। इस बात को माइंड में रखना है कि ईयर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो संडे पे ही खत्म हो रहा है। संडे 1 दिसंबर में संडे है तो 31 दिसंबर में भी संडे होगा, 1 जनवरी में संडे है तो 31 दिसंबर में भी संडे होगा नॉर्मल ईयर के लिए। और ईयर जिससे स्टार्ट हो रहा है उससे नेक्स्ट डे पे खत्म हो रहा है तो वो है हमारा लीप ईयर। और लीप ईयर में हमारा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में सबसे मेन डिफरेंस है 365 डेज डिफरेंस है। बट यदि हम देख के पता लगाए कि कौन सा नॉर्मल ईयर है कौन सा लीप ईयर है, तो जो हमारा 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, नहीं होता है तो वो नॉर्मल ईयर होता है। बट सेंचुरी ईयर के लिए, सेंचुरी ईयर मतलब 1200, 1500, 2000, तो ये होता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर के लिए हम डिवाइड करके देखते हैं 400 से, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉर्मल ईयर है, डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। ओके, तो देखते हैं कैलेंडर से क्वेश्चन। व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर कंटेनिंग 366 डेज सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। हमने रैंडमली कोई भी एक लीप ईयर सेलेक्ट किया, लीप ईयर सेलेक्ट किया मतलब उसमें कितने डेज थे, 366 डेज थे। अब बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस ईयर में जो हमने सेलेक्ट किया है रैंडमली कोई भी ईयर, इस ईयर में 53 संडे होंगे। नॉर्मली लीप ईयर में 52 वीक होते हैं, मतलब 52 टाइम्स ही हर एक डे आता है। 52 टाइम मंडे होता है, 52 टाइम ट्यूसडे होता है, 52 टाइम थर्सडे होता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लीप ईयर में हमारा 52 वीक के साथ साथ 2 दिन भी होते हैं, 2 डे भी होते हैं। अब हमें ये बताना है कि इस ईयर में 53 संडे होंगे, तो 52 संडे तो होंगे ही होंगे, बट इन दोनों दिन में से कोई भी एक संडे हो सकता है, दोनों संडे नहीं हो सकते, 2 दिन कंटिन्यूस संडे नहीं आ सकता। बट जो हमारा 30 दिसंबर है और 31 दिसंबर है, ये दोनों में से किसी एक दिन संडे भी तो हो सकता है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने एक ईयर चूज किया है वो लीप ईयर है और उसमें 33 संडे होंगे। तो अब आप बताइए 52 वीक में 52 संडे तो होंगे ही होंगे, इनको साइड रख दीजिए। 2 डेज में से 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये हमारा संडे प्लस मंडे हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन संडे होगा तो नेक्स्ट मंडे होगा ही होगा। ये हमारा मंडे प्लस ट्यूजडे भी हो सकते हैं, कि 30 दिसंबर को मंडे हो, 31 को ट्यूजडे हो। ये हमारा ट्यूसडे प्लस वेनसडे भी हो सकते हैं, ये हमारा वेनसडे प्लस थर्सडे भी हो सकते हैं, ये हमारा थर्सडे प्लस फ्राइडे भी हो सकते हैं, ये हमारा फ्राइडे प्लस सैटरडे भी हो सकता है, और ये हमारा सैटरडे प्लस संडे भी हो सकता है। इनके अलावा आपको कोई और पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? नहीं ना, यही 2 कॉम्बिनेशन में दिन हो सकते हैं, या तो एक दिन संडे हो फिर नेक्स्ट डे मंडे होगा ही होगा, एक दिन मंडे हो नेक्स्ट डे ट्यूजडे होगा ही होगा, एक दिन ट्यूजडे हो नेक्स्ट डे वेडनेसडे होगा ही होगा। ये हमारी 7 पॉसिबिलिटी है। इन 7 पॉसिबिलिटी में से संडे किस दिन आ रहा है? संडे एक तो हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आ रहा है, एक हमारा लास्ट पॉसिबिलिटी में आ रहा है। तो मीन्स इन 7 पॉसिबिलिटी में से 2 दिन ऐसे हैं, 2 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिसमें हमारा संडे पड़ रहा है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि हमने कोई भी लीप ईयर चूज किया उसमें 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7, 2/7 हो गया हमारा आंसर। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल चांसेस कितने हैं, 7। इन 7 में से, इन 7 कॉम्बिनेशन में से ही तो इन 2 दिन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसमें से भी संडे किस दिन है, 2 दिन, 2 टाइम, 2 चांसेस में, 2 ऑप्शन में संडे है। इसमें पूछा है पूरे ईयर में 53 संडे होने चाहिए, ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7 कि हमने कोई भी लीप ईयर चूज किया, अब उस लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। इफ आपको यहाँ पे लीप ईयर की जगह बोल दिया जाता नॉर्मल ईयर, बोल दिया जाता व्हाट इज द चांस दैट अ नॉर्मल ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, तो कैसे होता। एक ऑड डे है, वन ऑड डे है, 52 हमारे हैं ही संडे। वन ऑड डे है, वन ऑड डे हमारा मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे। तो इसमें होता संडे एक में पड़ रहा है तो 1/7। इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि जो हमने रैंडमली नॉर्मल ईयर पिक किया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें 53 संडे है, 1/7, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन आता है और मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप से आता है, लीप ईयर से और नॉर्मल ईयर से, ओके। एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देती हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन है कैलेंडर के रिगार्डिंग। क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ सैटरडे एंड संडे इन अ लीप ईयर। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ सैटरडे एंड संडे इन अ लीप ईयर, कितना मैक्सिमम सम हो सकता है किसी लीप ईयर में सैटरडे एंड संडे का। एंड सेकंड है आपका क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सम ऑफ सैटरडे एंड संडे इन नॉर्मल ईयर। ये आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपको मुझे कमेंट करना है ये क्वेश्चन। सो आपको इस टाइप के कैलेंडर के क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।